तुम भी चली जाओ कि गहना मेरे पास है ही नहीं, क्या करूं? अजान, अजान कहाँ है आप? जहां उसे नहीं होना चाहिए। दादी अम्मी आप तेरे लिए खीर बनाकर लाई, तुझे बहुत पसंद है ना? शुक्रिया दादी अम्मी, लेकिन आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? इसमें तकलीफ कैसी? ये तुम्हारा प्यार है बेटा, और फिर आज जो तूने ताबीज पहनकर मेरी बात, मेरी रफियों की इज्जत रखी है, उसके बाद मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। मैं जानती हूँ अजान और तुम्हें बहुत सहर, बल्कि अभी भी सहर है, लेकिन एक बात बताऊ, हमारे जमाने में कहते थे कि मियां बीवी का रिश्ता बेशक टूट सकता है, माँ बाप का नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों भी माँ बाप बनने के बारे में सोचो। प्लानिंग तो एक्चुअली बहुत सारी प्लान्स थे, बहुत सारी चालें चलने की कोशिश की, लेकिन अब समझ में आया कि इनको अलग अलग तोड़ना पड़ेगा एक साथ, तो फिर बस वही सब चल रहा है। कभी किसी के कान भरो, कभी किसी के कान भरो, इसको उसके अगेंस्ट, उसको इसके अगेंस्ट। तो पासा तो टूटा, मतलब नूर ही पहन रही थी उसे आखिर में, कैसे टूटा है ये अभी मिस्ट्री है, लेकिन टूट गया और वो भी नूर के हाथ से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब परिवार के हिसाब से तो बहुत बड़ा सिन हो गया, क्राइम हो गया कि पासा टूट गया, वो भी नूर के हाथ से, जिसकी वजह से बड़ा बवाल भी हो जाता है। और मैं मतलब एज़ यूजुअल थोड़ा ओवर द टॉप ड्रामा भी कर देती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नूर ने किया है और वो सबकी नज़र में आए, और मैं वैसे भी मेरी उससे तनातनी चल ही रही है।